जय बोलो देवादिदेव एकाधारा श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि महामनीषी समाषेण मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिषी विराट सागर जी महाराज की। इस विराट संसार में जब भी हम दृष्टि दौड़ाते हैं तो हमें हर तरफ दुख दिखाई पड़ता है। संसार का हर प्राणी किसी न किसी रूप में दुखी प्रतीत होता है, लेकिन जब हम अपने जीवन में झांकते हैं तो ऐसा लगता है मानो मैं ही दुखी हूं। सच्चाई ये है कि संसार में सब दुखी, यहां कोई सुखी नहीं। ये हो सकता है कि सबके दुखों का अलग अलग स्तर है, पर दुख तो सबके अंदर किसी न किसी रूप में है ही। संसार दुख की पर्याय है और इस वास्तविकता को समझने का नाम ही संसार भावना है। जीवन में दुख आता है, हमें विचलित करता है। कब? जब हम उसे स्वीकारते नहीं है तब। जब हम उसे स्वीकारना शुरू कर लेते हैं दुख हम पर हावी नहीं होता। और स्वीकार कब होता है? स्वीकार तभी होता है जब हमें ऐसा लगने लगता है ये तो हमारे जीवन का एक अंग है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो, छोटी मोटी बीमारी हो, तो शुरुआत में उसे वह बीमारी बर्दाश्त नहीं हो पाती, वो अपनी बीमारी से विचलित हो उठता है। लेकिन किसी को जब वो बीमारी स्थिर हो जाती है, वो उसका आदि हो जाता है, तो धीरे 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 उस बीमारी के प्रति वो यूज्ड टू हो जाने के कारण उसे वो अपना अंग मान लेता है और कहता है चलो ये तो लगाई हुआ है। संत कहते हैं जिस संसार में तुम रह रहे हो उसमें अनेक प्रकार की बीमारियां लगी हुई है, अब वो लगी रहेगी, उससे कोई नहीं बच सकता। तुम उसका कितना भी प्रतिकार करो वो भी नष्ट होने वाली नहीं है, वो बीमारी नहीं महामारी है। और सब पर है, किसी ना किसी रूप में संसार के प्रत्येक प्राणी के ऊपर है। तुम देखो और जब तुम देखने लगोगे तो तुम्हारे मन का दुख दूर हो जाएगा। सबको देखो, जो बीमारी है केवल तुम्हारी नहीं सब में है और रहेगी, इसे समझो। और जब तुम्हें लगने लगेगा कि सबको ये बीमारी है तो मैं भी उसी का अंग हूं, जैसे सब भोग रहे हैं वैसे मैं भोगूंगा, जैसे सब जी रहे हैं वैसे मैं जीऊंगा। जब तुम्हें संसार के सब प्राणियों में अपने जैसा दुख दिखे या संसार मात्र में दुख दिखने लगे तो तुम कभी दुख से विचलित नहीं हो सकोगे। एक व्यक्ति चला जा रहा था, उसकी बाइक से, बरसात का समय था, पानी के छींटे, कीचड़ के छींटे एक पहलवान के पैंट पर लग गए। उसे गुस्सा आया, उसने दो घूसा उसको दे दिया। बाइक में उसकी पत्नी भी थी और उसका एक बेटा भी था। उसने कहा देख भाई, मेरे को मार दिया तो मार दिया, मेरी पत्नी को हाथ मत लगाना। उसने एक झापड़ पत्नी को भी दे दिया। बोले देख, पत्नी को बर्दाश्त कर लिया, अब मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। उसने एक घूसा बेटे को भी दे दिया, तीनों को दिया, वापस किक मारी, गाड़ी चलाई, चल दिया। घर आकर के पत्नी और बेटे ने कहा हद हो गई, आप पिटे सो पिटे हम लोगों को क्यों पिटवा दिए, आप पिटे सो पिटे हम लोगों को क्यों पिटवा दिए। बोले इसलिए
कि अब कोई नहीं कहेगा कि अकेले पापा पीटे, सब पीटे, तुम भी पीटे, हम भी पीटे, सब पीटे। बस संसार भावना एक ऐसी दृष्टि देती है, उस दृष्टि में तुम अपने आप को जोड़ लो तो तुम्हें लगेगा कि यहां कोई नहीं बचा, सब पिटे पिटाए हैं, कोई सेफ नहीं है, सबकी दशा एक सी ही है। ये संसार दुख की पर्याय है, जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानीय अहो दुखो हु संसारो जत्थ की संति जंतवा। जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है और मरण दुख है। ये संसार ही दुख की पर्याय है, जहां संसारी प्राणी दुख का अनुभव करता है। तो इस विराट संसार में जो भी है सब दुखमय जीवन जीता है। सवाल आता है, महाराज ऐसी बातें कह कह करके तो आप हम लोगों के मन में हताशा भरते हैं। संसार में दुख है, दुख है, दुख है कहने की जरूरत क्या है? संसार में सुख भी तो है। ये निषेधात्मक बातें कहने से क्या लाभ? ध्यान रखो, संसार में दुख है यह कह करके आपके मन को हताश करने की बात नहीं है। बस बात यह है कि ये यहाँ की स्थिति है, ये यहाँ की नियति है, ये यहाँ की वास्तविकता है, ये यहाँ की हकीकत है, इसलिए यहाँ जीना है तो घबराओ नहीं, कांटों में फूल की तरह मुस्कुराओ, कांटों के मध्य फूल की तरह खिले रहने की कला सीखो। दुख है लेकिन इसी दुख में तुम्हें सुख खोजना है, कीचड़ है लेकिन तुम्हें कमल की तरह खिले रहना है, कांटा है लेकिन तुम्हें गुलाब की तरह जीना है, धुआं है लेकिन तुम्हें ज्योति की तरह ज्योतिर्मान बन करके जीना है। ये संसार भावना की कहानी है, ये मेरे जीवन की एक चुनौती है, मुझे इसे एक उपलब्धि में परिवर्तित करना है। संसार में दुख है ये सब कहा जाता है, निश्चित दुख है, तो महाराज क्या करें? कहीं भाग जाएं? भाग के बता दो, कहीं भागोगे भी तो दुख से नहीं बच पाओगे, क्योंकि पूरे संसार में जहां जाओगे दुख है, दुख तुम्हारे भीतर है, वो तुम पर हावी होगा। तुम जितना दूर भागोगे तुम्हारा दुख तुम पर उतना गहरा होगा और तुम टूट जाओगे। तो क्या करें? दुख है, दुख से भागने से दुख दूर नहीं होगा, दुखों के प्रति जागोगे दुख दूर होगा। सच्चाई ये है कि जिस संसार में तुम दुखी होकर के जी रहे हो, जिस दिन संसार की वास्तविकता को समझ लोगे उसी दिन सुखी हो जाओगे। संसार के दुखों का मूल कारण हमारे मन में पलने वाला अज्ञान, अज्ञान के कारण दुख है और ज्ञान से सुख है। अगर आपके अंदर थोड़ा भी ज्ञान प्रकट हो गया सारा दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा, एक पल की देर नहीं रखती। और आज मैं आपको संसार भावना के संदर्भ में संसार का भयावना चित्र नहीं दिखाऊंगा, वो तो आप भोग ही रहे हो, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपके संसार के सारे दुखों को हरने का उपाय जरूर बताऊंगा। और अगर मेरी बात को आपने अपना लिया तो मानना संसार में रहोगे पर रंच मात्र दुख नहीं होगा। जितने भी प्रकार का दुख है वो सारा दुख दूर कर सकता हूं। आज भगवान ने सुबह सुबह मुझे फिर एक शक्ति दी। अब भगवान ने कहा आज तुम एक काम करो, बहुत दिन हो गया सबका दुख हर लो, तो आप अगर अपने दुख मुझे शेयर करोगे और मेरी बात को फॉलो करोगे आपका दुख पल में दूर हो जाएगा। दूर करना चाहते हो? सारे दुखों को दूर करना चाहते हो? देखिए इस संसार में है क्या और दुख क्या है। संसार में मनुष्य के जीवन में दुख आता है, कोई वियोग के कारण दुखी है, कोई विपत्ति के कारण दुखी है, कोई बीमारी के कारण दुखी है,
और कोई विपन्नता के कारण दुखी है। वियोग, विपत्ति, बीमारी और विपन्नता संसार में सबके साथ जुड़ा हुआ है। किसी न किसी रूप में ये चीजें जुड़ी है और यही तुम्हें दुखी बनाती है ना। सबसे पहले हम वियोग को ले। संसार में ऐसा एक भी प्राणी है जिसके जीवन में कोई वियोग नहीं हुआ? ये संसार है जहां इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग हमेशा होता रहता है। इष्टानिष्ट संयोग वियोग जीवन में लगे हुए जीवन का एक अनिवार्य अंग है। संसार है, जहां संयोग है वहां वियोग रहेगा ही रहेगा, और जब तक वियोग है तब तक संसार की व्यवस्था है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, केवल संयोग होता, वियोग नहीं होता तो संसार का क्या हाल होता? लोग जन्म लेते रहते, मरते नहीं तो संसार की क्या दशा होती? बोलो, केवल जन्म 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 हो, केवल जन्म जन्म हो और मरण ना हो, केवल आना आना हो और जाना ना हो, केवल संयोग हो और वियोग ना हो, तो ये बताओ हम लोगों को यहां जगह मिलती? आभार व्यक्त करो उन सब का जिनने हमारे लिए सीट खाली की, किए कि नहीं की? ये तो एक व्यवस्था है, जहां संयोग है वहां वियोग होगा, ये प्रकृति का नियम है। सूरज उगा है तो अस्त होगा, उगने वाले सूरज को हम डूबने से नहीं बचा सकते। तो उगा है और डूबेगा, उगना और डूबना ये सूरज का स्वभाव है, आना और जाना ये प्रकृति का स्वभाव है, संयोग और वियोग ये नियति निसर्ग का नियम है। चलेगा, चल रहा है, अनादि से प्रवर्तित है, चलेगा, इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। है किसी के हाथ में कि तुम कहो कि बस सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त ना हो? और एक बात बताऊं, अगर ऐसा हो जाए तो त्रस्त हो जाओगे। अभी 12-14 घंटे का दिन होता है तो मारे गर्मी के चिल्ला पड़ते। अगर कल्पना करो 24 घंटे सूरज ऐसी आग उगलता तो क्या होता? ये प्रकृति का नियम है। जन्म और मरण, संयोग और वियोग, ये लगा हुआ है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी कोई वियोग घटित न हुआ हो, है क्या? नहीं है। तो जब किसी के सबके जीवन में वियोग है और वियोग यहां की का नियम है, यहां की व्यवस्था का एक अंग है, तो फिर मैं वियोग से विचलित क्यों हूं? पहले से मानसिकता बना लूं कि वियोग होना है, वियोग जन दुख होगा क्या? बोलिए। आप ट्रेन में सफर करते हैं, अनेक लोग मिलते हैं, घंटों की यात्रा में बातचीत होती है, मित्रता भी बन जाती है, कईयों से प्रगाढ़ता भी बन जाती है, लेकिन जब आपका अपना स्टेशन आता है, अपना पड़ाव आता है, आप उतरते हैं, सामने वाले को बाय करते हैं, धन्यवाद देते हैं, उतर जाते हैं, मन में कोई मलाल होता है, अरे कहाँ उतर रहे हैं, चलते इसके साथ, या वो आपके साथ पहले उतर जाए, तो आपके मन में ऐसा आता है कि अरे अच्छा मित्र उतर गया, साथ रहता तो अच्छा होता। नहीं, क्यों? आपको पता है मेरी उसकी जर्नी इतनी देर की थी, इतनी दूरी की थी, वो खत्म हो गई, जर्नी पूरी हो गई, मन में कोई तकलीफ नहीं। संत कहते हैं जीवन में जब भी कोई वियोग आए, सोचो मेरी उसकी जर्नी इतने ही दिनों की थी, मेरा उसका संयोग इतने ही दिनों का था। तो अब बताओ, वियोग जन दुख तुम्हारे चित्त पर कभी हावी होगा?
होगा? बोलो, नहीं होगा ना, पक्का तो बताओ। चार प्रकार के दुख में पहला दुख वियोग जन दुख, वियोग हुआ, विचलित मत हो, उसको स्वीकार कर लो, दुख दूर, समझ गए? अब कभी तुम्हारे जीवन में किसी का वियोग होगा तो क्या करोगे? रोओगे? क्या करोगे? रोना मत, क्यों, ये तो होला ही था, इसकी मेरी जर्नी इतने ही दिन की थी, ये संयोग इतने ही दिन के लिए था, ये तो लगा हुआ है। बिकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद, बरस जाने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मन। बिकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद, बरस जाने को भरते मेघ, दीप जलता होता होने को मन। छलकती जाती है दिन रैन, लबालब तेरी प्याली मीत, मौन होता जाता संगीत, क्षणिक है मत वाले जीवन, क्षणिक है मत वाले जीवन। ये तो सृष्टि का क्रम है, परिवर्तित होता है, होता रहेगा। मां सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ, समस्या हल। ये इतने ही दिन का था, ये इतने ही देर का था, अरे इतनी जल्दी चला गया, हम कैसे करें, हे भगवान क्या मैंने पाप किया, हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया, भगवान मेरे से ऐसा क्या बैर था जो तूने बीच में उठा लिया। बेचारा भगवान क्या करेगा, भगवान ने क्या उठाया, ये तो जिसका जितने दिन का नियोग है वो होगा, ये संसार है, संसार में चक्र चलेगा, इसकी वास्तविकता को समझो। कहीं कोई कली खिलती है वहीं फूल मुरझाता है, कहीं कली खिलती है वहीं फूल मुरझाता है। हम कली के खिलने पर जैसे खिलते हैं, फूल के मुरझाने में भी मुस्कुराना चाहिए, ये नियति। अगर इतना विवेक इतना विचार हमारे मन में आ जाए तो हमारा मन कभी दुखी होगा? बोलो, होगा। तो अब किसी का वियोग होगा तो क्या सोचोगे? बस महाराज यही सोचेंगे, इसका इतने ही दिन का साथ था, काम खत्म, तुम्हारा 25% दुख खत्म। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? चार प्रकार का बताया, एक वियोग जन दुख में मैं विचलित नहीं होऊंगा, उस वियोग को स्वीकार लूंगा, ये इतने ही दिन का साथ था। और ये सच्चाई है, ये बताओ तुम रोओगे तो क्या वियोग पूरा हो जाएगा? आर्तत ध्यान करोगे, मरोगे। प्राय ऐसा बताया गया कि इस प्रकार के आर्तत ध्यान से मरने वाले जीव दुर्गति के पात्र और होते हैं। अभी दुखी होंगे सो होंगे, अभी दुख होगा, जीवन दूषित होगा, पाप होगा, और भविष्य में दुर्गति होंगे। क्यों रो? जो चीजें मेरे हाथ में नहीं है तो उसके पीछे पागल होने से क्या फायदा? संत कहते हैं जब चीजें अपने नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसके आगे सरेंडर होके स्वीकार लो, दुख दूर हो जाएगा। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसका नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो उसके आगे सरेंडर हो जाओ, उसे स्वीकार लो, एक्सेप्ट कर लो, दुख दूर। वियोग हो गया, हो गया, हो गया, मुझे क्या फर्क पड़ना। मेरे संपर्क में एक महिला, उसका विवाह हुआ और 2 साल बाद पति का वियोग हो गया, 2 वर्ष में ही पति का वियोग हो गया। लोक की दृष्टि से उसके ऊपर बड़ा वज्राघात, एक छोटा सा बच्चा 6 महीने का, दूध पीता बच्चा, 6 महीने का बच्चा उसे छोड़ के पति चला गया, लोगों को बड़ा आघात लगा। निश्चित एक स्त्री अपने सुहाग को खो दी, ये बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन वो बहुत स्वाध्यायशील थी। उसने कहा मेरे और मेरे पति का इतने ही दिन का संयोग था, चले गए तो चले गए, अब रोने से क्या होगा, अच्छा हुआ, अब जो हो गया सो हो गया, पति गए पर अपने पीछे इतना छोड़ करके गए हैं कि मेरे और मेरे बच्चे के निर्वाह में कोई कठिनाई नहीं। वो छोड़ के नहीं भी जाते तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपने और अपने बच्चे के पेट पालने के लिए समर्थ हूँ, और मुझे पति चले गए, अब उन्हें लौटाया नहीं जा सकता, मुझे अब इस बात का दुख करने से कोई लाभ नहीं कि पति चले गए,
अब मैं इस बात का सुख महसूस कर रही हूँ कि चलो पति चले गए, कम से कम मैं शील व्रत का पालन करने का सौभाग्य तो प्राप्त करूंगी, शील का पालन करूंगी। ये सोच हो सकती है? ऐसा जीव कभी दुखी हो सकता है? चले गए चले गए चले गए, परिस्थितियों को कोसने वाले जिंदगी भर रोते रहते हैं, परिस्थितियों को कोसने वाले सारी जिंदगी रोते रहते हैं, और परिस्थितियों को समझकर स्वीकार लेने वाले हर पल मुस्कुराते हैं, जीवन में स्थिरता लाते हैं। तो तुम्हारे जीवन में कोई भी वियोग हो, स्वीकार लो। वियोग को रोकना मेरे हाथ में नहीं है, पर वियोग की घड़ी में अपने अंदर स्थिरता बनाए रखना हमारे हाथ में है। अज्ञानी किसी के वियोग होने पर रोता है, और ज्ञानी वियोग से वैराग्य प्राप्त करता है और अपने जीवन को सम्यक राह पर निकालता है। रोगे दुख होगा और वैराग्य को धारण करोगे, तुम्हारा जीवन स्थायी रूप से सुखी हो जाए। पहली बात वियोग। दूसरी दुख, दूसरे प्रकार का दुख है बीमारी। संसार में लोग किसी न किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित दिखाई पड़ते हैं, और लोग अपनी बीमारी का रोना रोते हैं। लोग, हर व्यक्ति अपनी अपनी बीमारी का रोना रोते हैं। निश्चित संत कहते शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर ही रोग का घर है, इसमें जितने रोम उतने रोग। रोग तो होगा ही, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो बीमारी से शून्य है। अरे और कोई बीमारी नहीं तो जन्म जरा और मृत्यु का रोग तो सब पर चढ़ा है, ये भाव रोग तो सब पर है, इस रोग से कोई नहीं बच सकता। रोग संसार का स्वभाव है, इसे रोक नहीं सकते। यदि तुम बीमार हो तो ये सोचो ये तन पे बीमारी है, मेरी आत्मा में कोई बीमारी नहीं। अगर तन पर कोई बीमारी हावी हो उस घड़ी सोचो ये बीमारी तन को है, मेरी आत्मा को नहीं। मेरी आत्मा तो आरोग्य स्वरूप है, मेरी आत्मा को बीमारी छू नहीं सकता। और ये बीमारी तन पर है, मेरे मन पर नहीं है, तो कैसी भी बीमारी होगी तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा, मन में स्थिरता रहेगी। लोगों के साथ अक्सर देखने में ये आता है कि तन की बीमारी से भी ज्यादा मन की बीमारी होती है। तन की बीमारी के 100 इलाज हैं, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। लोग जब तन की बीमारी को मन पर हावी कर लेते हैं, स्थिति अत्यंत भयावह बन जाती है, विषम बन जाती है। आपको कोई बीमारी है तो आप अपनी बीमारी को, तन की बीमारी को तन तक सीमित रखें, मन पर हावी मत होने दें, और देखें कि संसार में मुझे जितनी बीमारी है और भी लोग तो बीमार हैं, बीमारी तो सबके साथ लगी हुई है। एक सज्जन मेरे पास आए, वो बड़े दुखी थे। महाराज कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, बहुत परेशान हूं काफी दिनों से, दवाइयां लेता हूं कोई लाभ नहीं मिलता। बड़ा अवसाद ग्रसित चित्त था वो सज्जन, बीमार थे, बीमार रहते थे और डिप्रेशन में थे। महाराज कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, कोई उपाय बताइए। महाराज आप कोई मंत्र दे दो। दवाइयां करते हैं, दवाई नहीं लगती। अच्छा, बोले तुम अभी घर से ही आ रहे हो? बोले हाँ घर से आ रहा हूं। कितनी दूर घर है? महाराज जी आधा किलोमीटर है। कोई उठा के लाया? नहीं नहीं महाराज उतने बीमार नहीं है, हम पैदल आए।
पैदल चलकर आए, उतने बीमार नहीं हैं, पैदल आए। अच्छा, पैदल आ गए, आधा किलोमीटर की यात्रा तुम पांव पैदल चलकर के पूरी कर लिए, उसके बाद तुम अपने आप को बीमार मानते हो, मुझे बड़ा आश्चर्य होता। आधा किलोमीटर की यात्रा करने के बाद तुम पांव पैदल चल करके आए, वो तुम अपने आप को बीमार मान रहे हो। अरे तुम बीमार ही देखना चाहते हो, जो जाओ अस्पताल में जाकर देखो, बीमार उसको मानो जो बिस्तर पर पड़ा है, बीमार उसको मानो जो पैरालाइज्ड है, बीमार उसको मानो जो आईसीयू में पड़ा हुआ है, बीमार उसको मानो जो वेंटिलेटर में लटका है, बीमार उसको मानो जिसके शरीर में 10 प्रकार की नलियां लगी है, कैथेटर लगा हुआ है। तुम चल रहे हो, फिर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, अपना काम भी कर रहे हो, बातचीत भी कर रहे हो, फिर भी अपने आप को बीमार मान रहे हो। तुमने अपने आप को बीमार मान लिया, सच्चाई यह है कि तुम बीमार हो ही नहीं। तुम जिस तन की बीमारी कहते हो, ये बीमारी तो सबकी, हम में भी है, सब में अंतर यह है, किसी की बीमारी प्रकट हो जाती है, किसी की अप्रकट। शरीर रोग धर्मा है, इस शरीर को लेकर के ज्यादा परेशान मत हो, अपने आत्मा को पहचानो, अपने मन को देखो, आत्मा में कोई बीमारी नहीं है। अपने मन को जागृत रखो, अपनी जिजीविषा को तीव्र करो, तो तुम्हारी बीमारी तुम पर हावी नहीं होगी। और जाओ, जाकर देखना है तो हमारे संघ में ऐसी अनेक आरिकाएं हैं जिनका होमोग्लोबिन 4 है, होमोग्लोबिन 4 है, और बिहार करती है, उग्र केस लोच करती है, उपवास करती है, और धर्म प्रभावना के सारे कार्य करते हैं, और ढेर सारी बीमारियां। बीमारी होना अलग है, और बीमारी को अपने सिर पर हावी कर लेना और है। तुम बीमार हो पर दुखी हो, यह कोई जरूरी नहीं। बीमार तुम्हें कर्म बनाता है, और दुखी करता है तुम्हें तुम्हारा अज्ञान। अगर तुम्हारे मन में ज्ञान जागृत हो गया, तो कैसी भी भयानक बीमारी हो, तुम्हारा मन कभी दुखी नहीं होगा, मन पीड़ित नहीं होगा। बीमारी को कर्म का विपाक नहीं है, यहां की बीमारी दूसरी है, यहां कुछ हवा उल्टी है, उसी की धास आ रही है बार बार, पर मुझे ही क्यों आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। लग रही है ना? हाँ, ये बोलने के कारण। खैर देखिए कितनी देर चलती है बात। मैं आपसे कह रहा हूं कि बीमार होना अलग बात है, बीमारी कर्म के विपाक से होती है, पर दुख तो हमारे अज्ञान से होता है। कैसी भी बीमारी आए, जिस गली बीमारी आए, तो दो बातों का विचार करो, ये सोचो ये कर्म का उदय है, और ये देखो कि मैं बीमार तो हूं पर बिस्तर पर नहीं हूं, ये मेरा सौभाग्य है। औरों से बेहतर हूं, ये मेरा सौभाग्य है। चलो ठीक है, मेरी बीमारी है, मैं सह रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं, हमारे जीवन में दुख नहीं होगा। और अपनी बीमारी को पकड़ करके रोते रहोगे तो सारी जिंदगी रोते रहोगे। कुछ लोग हैं जिनकी आदत ही रोने की होती है, वो बात बात पर रोते हैं, कहीं भी जाओ तो वो अपना रोना ही रोते हैं। ध्यान रखना, जिंदगी रोने के लिए नहीं है, इसी रोने का नाम तो संसार है। संसार में जितने भी दुख है, ये रुदन के कारण है। अपने जीवन में आए हुए प्रतिकूल संयोगों को स्वीकार न कर पाना ही संसार के दुख का मूल है। अपने जीवन में जब भी कुछ ऐसी स्थिति हो, अपने को संभालने की कोशिश करो, बीमारी हो चिकित्सा करो, मैं उसका निषेध नहीं करता, लेकिन मन को विचलित मत होने दो। तन की बीमारी को तन तक सीमित रखो, मन पर हावी मत होने दो। सन 2002 में मैं मैनपुरी में था, उत्तर प्रदेश में। वहां एक दिन एक सज्जन मेरे पास आए, वो डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए थे, जैन नहीं थे, और उन्होंने कहा, महाराज
आपने मुझे बहुत बड़ी बीमारी से बचा लिया। भैया मैंने ऐसा क्या किया, आपने तो मुझसे कोई बात भी नहीं की। उस जमाने में लाइव नहीं चलता था, टीवी पर कार्यक्रम नहीं था। तो बोले बाला जी आपने मुझे बड़ी बीमारी से बचा लिया, 20 साल की बीमारी आपने एक दिन में ठीक कर दी। मैंने बोला भैया मैंने ऐसा कोई जादू तो किया नहीं, और ना आपने मुझसे आकर के कोई बात की, ये बीमारी कैसे गायब हो गई, कौन सी बीमारी। बोला महाराज जी पिछले 20 वर्षों से मैं एंजाइना पेन से पीड़ित था, 20 वर्षों से एंजाइना पेन से पीड़ित था, और पिछले 8 दिन पहले मैं आपके प्रवचन में आया, प्रवचन सुना, अरे आपका एक वाक्य मेरे जेहन में उतर गया, तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो। और महाराज उस दिन से मैंने सोचा ये बीमारी तन की है, मैं मन पर हावी ना होने दूं। महाराज 8 दिन हो गए, अब मुझे कोई पेन नहीं, और मैंने सारी दवाइयां बंद कर दी। 8 दिन हो गए मुझे कोई पेन नहीं, मैंने सारी बीमारियां दवाइयां बंद कर दी। क्या है, अगर हम थोड़ा धैर्य रखे, संयम रखे, विवेक से काम ले, तो हम पर कोई भी बीमारी हावी नहीं होगी। कर्म का विपाक माने, कर्म सिद्धांत पर विश्वास, यानी कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखता है, उसके जीवन में बड़ी बड़ी बीमारियां आती है, विचलित नहीं होता। हमारे गुरुदेव 1987 में गंभीर रूप से बीमार पड़े, गंभीर रूप से बीमार पड़े थुबोंजी में। यह हम सबका सौभाग्य है कि आज हमें गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है। उस समय उनकी स्थिति बहुत बहुत गंभीर हो गई थी, 105 फीवर, एक सप्ताह से उनको 101-2 के आसपास फीवर चल रहा था। उन्होंने किसी को बताया नहीं, और आहार लेते नहीं थे, उन दिनों हरी लेते थे वो, तो केवल लौकी लेकर आ जाते थे। और उनका एक सिद्धांत है ज्वर को लंघन, बुखार आए तो उपवास कर लो। उनने एक दिन उपवास कर लिया उसी बुखार की स्थिति में, उस दिन 105 फीवर, हालत खराब, गर्मी बहुत थी, बारिश हुई नहीं थी। उनको स्पंज करके फीवर उतारने की कोशिश की गई, उतरा नहीं, मलेरिया था, थुबोंजी में मलेरिया का बहुत प्रकोप था। दूसरे दिन उनको आहार के लिए उठाया, बुखार को डाउन करके 101 तक लाकर उस बुखार की स्थिति में आहार को उठे, और सिंकोना का पाउडर जिससे कुनैन बनता है, सिंकोना एक वृक्ष होता है, उसकी छाल का पाउडर, वो मलेरिया की दवाई उसी से बनती, तो वो बहुत कड़वा होता जहर जैसा, मुनक्का में मिला करके शुरू में दिया, कड़वा था ही, बुखार भी थे, मुंह में डाला वो बाहर निकल गया, अंतराय हो गया, 2 उपवास हो गए। और उसमें उनकी हालत एकदम चूर हो गई, पस्त हो गई, शरीर एकदम छीन हो गया, शिथिल हो गया। 3 दिन बाद पंडित जगनमोहन लाल सिद्धांत शास्त्री एक और विद्वान के साथ गुरुदेव के चरणों में पहुंचे। मैं वहीं बैठा था, उन दिनों में अलग था, गुरुदेव लेटे थे, शरीर में वेदना का चरम है, पूरा शरीर उत्तप्त है, दाह है, अंदर कुछ जा नहीं रहा है। और उस स्थिति में पंडित जी ने पूछा, महाराज श्री कैसा लग रहा है, महाराज श्री कैसा लग रहा है, देखो एक आत्मज्ञानी साधक का क्या परिणाम होता है। उन्होंने कहा औदयिक भाव है, जान रहा हूं और देख रहा हूं। उन्होंने विद्वान को विद्वान की भाषा में उत्तर दिया, इसका अर्थ ये था औदयिक भाव यानी कर्म के उदय का परिणाम है, मैं इसे जान रहा हूं और देख रहा हूं, ये बीमारी तन को है, मेरी आत्मा को नहीं, मेरे मन को नहीं, मैं तो उसका ज्ञायक मात्र हूं। अब बताओ ऐसा व्यक्ति कभी दुखी होगा? मैं आपसे कहता हूं
तन को स्वस्थ रखना तुम्हारे हाथ में भले ना हो, पर मन को बीमारी से बचाना ये तुम्हारे हाथ में है। बीमार तन का सौ इलाज, बीमार मानसिकता ला इलाज। अपनी मानसिकता को ठीक करिए, मानसिकता को स्वस्थ रखिए। और ये कब होगा? जब हमें जीवन और जीवन की व्यवस्था का ज्ञान होगा। तो अपने अंदर वह भाव जागृत कीजिए तो हम कैसी भी बीमारी हो अपने अंदर स्थिरता लाएंगे। मैं आप लोगों को एक दवाई बता रहा हूं, वो एक ऐसी औषधि है जो हर किसी बीमारी में काम में आती है। अरे वो एक दिन हमें हमारे गुरुदेव ने दिया था, कहा लोग बहुत बीमार पड़ते हैं, परेशान होते हैं, ये एक खुराक किसी को भी हो, कोई भी बीमारी हो तो दे दिया करना, तुरंत आराम मिले। खाते ही आराम, हर बीमारी का राम इलाज, रामबाण इलाज चाहिए, हमारे गुरुदेव ने दिया है। और कहा उदारता पूर्वक बांटना, किसी को मना मत करना, रात के 12 बजे भी आए तो दे देना। लेंगे आप लोग? तैयार हो? किसको किसको चाहिए थोड़ा हाथ उठा। देखो अरे महाराज, ऐसी चीज बांटे तो यहां तो पुलिस बुलाना पड़ेगा, ऐसी लाइन लग जाए। आप बांटिए तो, हमको पता नहीं था कि आप ऐसे भी चमत्कार करते हैं। मेरे पास कोई चमत्कार कम नहीं। अरे इस पंचम काल में मुनि बन जाना ही सबसे बड़ा चमत्कार है, और हर मनुष्य के जीवन में चमत्कार है। आपको मैं एक जो चमत्कार बताना चाह रहा हूं, गजब का नुस्खा है। दुनिया के चमत्कार काम करिए ना करे, पर यह चमत्कार तो ऐसा अनुभूत चमत्कार है, 100% आराम करेगा और तुरंत आराम करेगा। बता दूं? अब महाराज आप ज्यादा मत बोलो, आप तो बता दो जल्दी से, इतनी उत्सुकता आपने क्रिएट कर दी है कि मत पूछो, आप तो बताओ क्या है। कुछ नहीं है, एक दवाई है, उसका नाम है संतोष बटी। संतोष बटी खाइए, तत्काल आराम पाइए। ले लिया आप लोगों ने? ले लिया कि नहीं लिया? लिया ना? बस क्या करना। आप कहते किसी को अटैक आए तो जीभ के नीचे सोब्रीटेट दे दो, है ना? अटैक आता है तो सोब्रीटेट तुरंत देते हैं जीभ के नीचे, ताकि खून पतला होते रहे और अटैक से व्यक्ति बच जाए, है ना? सोब्रीटेट ही देते हैं ना। हाँ, अब जीभ के नीचे सोब्रीटेट लगाओ या न लगाओ, कोई बीमारी आए अपने मन में संतोष बट्टी की एक खुराक डाल दो, बीमारी जब जाएगी जब जाएगी, पर उसका प्रकोप तुम पर हावी नहीं होगा, शांत हो जाएगा। तो बीमारी जने दुख से बचना है। कर्म के विपाक का चिंतन कीजिए, मन में धैर्य रखिए, संतोष रखिए और सकारात्मक सोचने की कोशिश कीजिए, तुम्हारी बीमारी भी तुम्हें बाधक नहीं बनेगी। तो बोलो, अब संतोष बट्टी खाने के बाद बीमारी जने कोई दुख होगा तुम्हें? नहीं होगा ना? तो देखो 25% दुख और चला गया, 50% गया कि नहीं गया? बोलो तो जरा, गया ना? 50% दुख चला गया, और अभी 50 मिनट हुए नहीं, 50% दुख खत्म। चिंता मत करो, आज 100% दुख खत्म कर देंगे। तीसरे प्रकार का दुख होता है जब मनुष्य के जीवन में कोई विपत्ति आती। विपत्ति संसार में हर व्यक्ति के ऊपर आती है। महापुरुषों का जीवन भी विपत्ति से बचा नहीं है। संसार विपत्ति तो आती, सूर्य पर भी ग्रहण लगता है, चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, लगता है, ये संसार है, निसर्ग का नियम है। पेड़ों में भी पतझड़ आते हैं, प्रकृति में भी कृष्ण पक्ष आती है, पूर्णिमा से अमावस्या आती। ये संसार ये चलेगा। तुम्हारे जीवन में जब कभी कोई विपत्ति आए तो उस घड़ी में विपत्ति से विचलित मत हो, अपने अंदर स्थिरता रख करके चलो। विपत्ति की घड़ी में यदि हम विचलित होते हैं तो हमारा मन टूटता है। विपत्ति आए उसे बर्दाश्त करो। क्या सोचो,
कर्म का उदय है। कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, पतझड़ के बाद अब जो भी होगा वो बसंत ही होगा और कुछ नहीं। रात के बाद अब जो भी होगा प्रभात ही होगा और कुछ नहीं। अमावस के बाद यदि आएगा तो पूनम ही आएगा और कुछ नहीं। और सूखे के बाद यदि कुछ होगा तो बरसात ही होगी और कुछ नहीं। बस ये विवेक अपने भीतर होनी चाहिए। पतझड़ के बाद बसंत आएगा, इस आशा को, इस विश्वास के कारण हम पतझड़ से विचलित नहीं होते। पतझड़ के बाद बसंत आएगा, इस विश्वास के कारण हम पतझड़ आने पर विचलित नहीं होते। अमावस के बाद पूनम आएगी, इसलिए हम प्रतीक्षा के लिए तत्पर होते हैं। रात के बाद प्रभात होता है, इस विश्वास के कारण, इस धारणा के कारण हम प्रभात की प्रतीक्षा के लिए तैयार हैं। तो विपत्ति के बाद संपत्ति आएगी, इस प्रतीक्षा के लिए तैयार क्यों नहीं है? तैयार होइए। विपत्ति के बाद तो संपत्ति ही है। और संत कहते हैं ज्ञानी तो विपत्ति में भी संपत्ति देखता है। संसार, संसार में सब तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, इनके मध्य जीना हमारी नियति है। इनसे भागोगे तो बच नहीं सकते। जाग कर इनका सामना करो, इनका सामना करो और धीरे 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 शांत करो। कैसी भी विपत्ति आए, हम महापुरुषों के जीवन चरित्र को पलट करके देखें, तीर्थंकर पार्श्वनाथ पर जैसी विपत्ति आई वैसी आज तो किसी पर आ ही नहीं सकती। 7 दिन तक कितना भयंकर उपसर्ग हुआ। पार्श्वनाथ भगवान क्या किए, मैदान छोड़ के भागे? क्या किए? अपने में डूबे रहे। विपत्ति थी बाहर की बाहर, वो अपने आप को तो एकदम निरापद महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था विपत्ति तन पर आती है, चेतन पर विपत्ति नहीं। क्योंकि चेतन आपद रहित अवस्था है, निरापद है, वह तो ऐसा तत्व है जिस पर वज्रपात भी हो जाए तो एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। उन्हें भेद विज्ञान था, मुझे कोई छू भी नहीं सकता। तो ये उपसर्ग किस पर? ये तन पर है। और तन और चेतन के भेद विज्ञान के बल पर वे अपनी साधना में निमग्न रहे, अपने स्वरूप में डूब गए। वो विपत्ति आई और निकल गई, वो विपत्ति भी उनके लिए केवल ज्ञान का कारण बन गई, संपत्ति बन गई। हो सकता है कमट ने ऐसा दारुण उपसर्ग नहीं किया होता तो पारसनाथ को केवल ज्ञान पाने में कुछ और काल लगता, लेकिन कमट के उपसर्ग के कारण पारसनाथ ने केवल ज्ञान को संभवतः समय से पूर्व प्रकट कर लिया। ये विपत्ति में भी संपत्ति की प्राप्ति है। देखो पारसनाथ भगवान से सीख लो, विपत्ति में स्थिरता बनाए रखना। आज तुम्हारे सामने थोड़ा भी कुछ होता चले जाते हो पारसनाथ भगवान के चरणों में गुहार लगाने, तुमसे लागी लगन ले लो अपने शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। पारसनाथ भगवान किसके पास गए थे? वो गए थे क्या वो किसी के पास गुहार लगाए? नहीं, भगवान पारसनाथ कहते हैं कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने स्वरूप में गुप्त हो जा, अपने स्वरूप में गुप्त हो जा, फिर ये कोई बाधा ही नहीं, ये कोई व्यवधान ही नहीं। ये विपत्ति बाहर की है, इस विपत्ति में भी संपत्ति है। संसार में पुण्य पाप का खेल चलता है, पुण्य संपत्ति देती है और पाप विपत्ति। जब पुण्य का उदय है, जब तक पुण्य का उदय है सब तरफ तुम्हारी जय जयकार। जिस दिन पाप का प्रकोप आता है, जिसकी जय जयकार होती है उसी को लोग धिक्कारने लगते हैं, उसकी ही हाहाकार होने लगती। ये खेल है, इनसे क्या प्रभावित होना,
ये संसार है, संसार भावना ये कहती है देख ये चलेगा, एक राजा है, एक रंग है, एक की जय जयकार हो रही है, एक को लोग दुत्कार रहे, धिक्कार रहे, एक की हाहाकार मची है, यहाँ आनंद है, यहाँ मातम मचा है, ये संसार है, ये चक्र है, चलेगा। जैसे लोगों के जीवन में ऐसा होता है, वैसे ही स्वयं के जीवन में भी कभी उत्थान और कभी पतन होता है, ये उतार चढ़ाव जीवन में चला आता है। पर ये जो कुछ भी उतार चढ़ाव है, उत्थान पतन है, ये बाहर का है, आत्मा में तो केवल ठहराव है, स्थिरता है, न उतार न चढ़ाव है। सूरज के आगे बादल आते हैं जाते हैं, पर सूरज तो सूरज है, कुछ काल के लिए बादल सूरज के प्रकाश को प्रभावित भले कर दे, पर उसे विनष्ट नहीं कर सकते। ये कर्म के बादल हैं, विपत्ति के रूप में मेरे साथ आए हैं, जुड़े हैं, छट जाएंगे। मैं भावना की हवा चलाऊं, ध्यान की हवा चलाऊं, ये बादल छटेंगे और मेरे भीतर का सूरज प्रकट होगा और मैं अपने जीवन को धन्य करूंगा। उस घड़ी में यदि हमारे पास ज्ञान हो तो कैसी भी विपत्ति हो हमारा जीवन विचलित नहीं होगा। बंधुओ, महापुरुषों के जीवन में भयंकर भयंकर विपत्ति आई, उनने उसे सहा। आज हम लोग इस अर्थ में बड़े भाग्यशाली हैं कि उस प्रकार की विपत्ति तो आज लोगों के साथ नहीं आती, लेकिन दूसरे प्रकार की विपत्तियों से लोग घिरते हैं और विचलित होते हैं, टूट जाते हैं। किसी को व्यापार में नुकसान हुआ, उसे वो घोर विपत्ति समझ करके विचलित होते हैं। किसी के घर परिवार में कोई अनिष्ट संयोग हो गया, उसे वो विपत्ति मानते हैं। किसी की मृत्यु आदि हो गई समय में, उसे विपत्ति के रूप में गिना जाता है। या अन्य प्रकार की कोई मुश्किल खड़ी हो गई, संपत्ति आदि को नुकसान हो गया, तो उसे विपत्ति के रूप में दिखते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी विपत्ति में भी टूट जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी विपत्ति में भी उससे प्रभावित नहीं होते। देखो, विपत्ति को संपत्ति में कैसे बदला जाता है और व्यक्ति अपने जीवन को दुख से कैसे ऊपर उठाता है। मेरे संपर्क में एक परिवार, बेटे ने कारोबार शुरू किया और उसे 40 लाख का नुकसान हो गया। पहली बार पिता से हटकर अपना काम शुरू किया, एक नए लाइन पर गया, शुरुआत में ग्रोथ हुई और दूसरे साल में 40 लाख रुपए का एक साथ नुकसान हो गया। जिस समय 40 लाख का नुकसान हुआ, उस व्यक्ति के स्टेटस के हिसाब से वो नुकसान उसके लिए बहुत ज्यादा था। इस नुकसान को देखकर वो अंदर से टूट गया, उसे लगा कि नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकूंगा। उसके भाई और पिता ने बताया, महाराज आप उसे संबोधें, उसने जितना नुकसान किया उससे हमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसका जो मन टूटा है उससे हमें बहुत तकलीफ है, आप थोड़ा मोटिवेट करें, आपकी बात को वो मानता है। मेरे पास आया और उसके पिताजी और भाई दोनों साथ थे। उसने बोला, महाराज जी अब मैं क्या कहूँ, मुझसे कुछ होगा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पिता ने कहा, महाराज इससे कहिए कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने अगर अपने कैरियर के हिसाब से देखा तो जो हमने जब शुरुआत की थी तो महाराज जी हमने तो 5000 रुपये से अपने कैरियर की शुरुआत की थी, महाराज क्या है आज बहुत कुछ है, नुकसान हुआ है लेकिन हम पर कोई कर्ज नहीं है। इससे कहिए कि इस नुकसान को भूल जाए, ये नुकसान नहीं है, नसीहत मिली है, ऐसा सोचे, इसे नुकसान के रूप में ना देखे, इसे ये मान के चले कि हमें एक नसीहत मिली है। नुकसान तो आना और जाना लगा रहता है, हम नसीहत मान करके चले। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक व्यक्ति है जो नुकसान को भी नसीहत मान रहा है। बोला, महाराज इसको समझाइए कि जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ने की कोशिश करे और आगे कुछ काम करे। मैंने कहा, देख भाई अब तुम्हारे लिए जो भी नुकसान हुआ है, नुकसान नुकसान का रोना रटने की जगह ये देखो कि नुकसान किस वजह से हुआ है, और जिस वजह से नुकसान हुआ है उस वजह से अपने आप को बचाओ। और तुम्हारे पिता ने कहा कि नुकसान नहीं नसीहत मिली है, तो ये सोच लो एक नुकसान से बहुत बड़ी नसीहत मिल रही है, तो इसे भी फायदा मानना चाहिए, आगे उसकी पुनरावृत्ति नहीं करें तो अपना जीवन बहुत आगे बढ़ सकता है। समस्याएं आई है, घबराओ नहीं, अगर समस्या इतनी बड़ी है तो अपने आप को इतना बड़ा बनाने की कोशिश कर लो, समस्या आपो आप छोटी हो जाएगी। तुम्हारे सामने अगर इतनी सी समस्या है
तो अपने आप को इतना बड़ा बना लो, समस्या अपने आप छोटी हो जाएगी। मैंने उसे मोटिवेट किया, उसके मन का उत्साह संचरित हुआ। उसके बाद उन लोगों ने 3 महीने अपने बिजनेस को ब्लॉक किया, अपना सिस्टम सुधारा, और सिस्टम सुधारने के बाद उनने बिजनेस को आगे बढ़ाया। आज उनकी बिजनेस की स्थिति दिनों दिन बढ़ रही है। दूसरे साल उनने बताया, महाराज हमारा बिजनेस 300% ग्रोथ किया है। तेजी से, फाइनेंस का काम था, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और आज दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। ये क्या है? विपत्ति में संपत्ति के दर्शन का उदाहरण। तुम लोग क्या करते हो? अरे नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, हो गया सो हो गया, हो और गया, भूलो उसको, पकड़ करके क्यों बैठते हो? जीवन में कोई भी विपत्ति आए तो उस घड़ी विचलित मत होइए, स्थिरता रखने का अभ्यास कीजिए। कुछ भी हो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ कि उसके बेटे का भी डाइवोर्स हुआ और बेटी का भी डाइवोर्स हुआ, संयोग। आजकल ये सब चीजें बहुत तेजी से होने लगी, बहुत अरमानों से भर करके शादी की, बेटे की भी और बेटी की भी, दोनों की भी डाइवोर्स हुई। निश्चित रूप से जिनके साथ ऐसा होगा, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, उनकी मनोदशा क्या होगी। मेरे पास जब बात आई, मैंने समझाया, भैया देख ये सब जो होना होता होता, आजकल ये सब चीज़ें हैं, तुम्हें पहले देख समझ करके करना चाहिए था। अब जो हो गया उसे हो जाने दो, ये समझो जो होता वो अच्छे के लिए होता है। महाराज बड़ा गड़बड़ हो गया, क्या करें, डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स हो गया। अब मन में था, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, लेकिन साल भर बाद आकर के उसने कहा, महाराज आपने जो कहा था बहुत अच्छा कहा, जिस लड़के से मेरी बेटी की शादी हुई थी, अभी मालूम पड़ा है उसको HIV पॉजिटिव निकला है। अभी HIV पॉजिटिव निकला, HIV से संक्रमित हो गया। महाराज अच्छा हुआ डाइवोर्स हो गया, नहीं तो मेरी बच्ची भी चले जाती। आप सोच सकते हैं। हमने कहा, मैंने तुमसे कहा था जो होता अच्छे के लिए होता, विचलित मत हो, जो हो गया सो हो गया। अब जीवन में पहले ऐसी कोशिश करो कि कोई इस तरह की स्थिति बने नहीं, और स्थिति बने तो उसे एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, और अपने जीवन में जितना सुधार कर सकते हो सुधार करने की कोशिश करो, कभी जीवन में दुख नहीं होगा। तो जब भी कोई विपत्ति आए उसे कर्म का विपाक मानो, उसके संदर्भ में सकारात्मक सोचो और उसे स्वीकार करो। विपत्ति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी, बोलो करेगी क्या? तो विपत्ति जन, अब कोई दुख बचेगा तुम्हारे लिए? बचेगा? जोर से तो बोलो, लगे तो सुन रहे हो, हाँ नहीं लगेगा ना? तो 25% और गया, 75% खत्म, 25% लटका के रखें, कल के लिए बचा ले, आज ही खत्म करें। अरे महाराज आप तो झंझट छोड़ो, पूरा करो अभी। आखिरी है विपन्नता, आर्थिक परेशानी, आर्थिक संकट। एक बार एक सज्जन ने कहा, महाराज और सब बातें तो फिर भी समझ में आ जाती है, लेकिन जब फाइनेंशियल ग्राफ गड़बड़ाता है ना, तो महाराज रात की नींद उड़ जाती है। मनुष्य को धन के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति होती है, पैसा कमाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, और पैसा गंवाने लगता है ना तो उसे बहुत तकलीफ होती है। एक बार लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों एक सेठ के पास पहुंच गई और कहा, फैसला करो। बोले क्या फैसला करो? बोले हम दोनों में कौन सुंदर है? लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों सेठ के पास पहुंची और कहा कि फैसला करो, हम दोनों में कौन सुंदर है, हमें विवाद हो गया, तुम ही निपटाओ। सेठ बहुत समझदार था, पक्का बनिया बुद्धि था, उसने कहा एक से पंगा लेना मुश्किल है, दोनों में से किसी से पंगा लिया तो खतरा है। कहा ठीक है, एक काम करो, वो जो सामने पेड़ है उसको छू कर आओ, यही तुम्हारी प्रतियोगिता, तुम दोनों में कौन पहले छुके आता उस आधार पर मैं निर्णय करूंगा कि तुम दोनों में कौन सुंदर या समर्थ है। दोनों एक साथ दौड़ी, संयोग दोनों एक साथ पेड़ तक पहुंच गई। दोनों एक साथ पेड़ तक पहुंची, लौट कर आई, सेठ ने कहा तुम दोनों सुंदर हो, तुम दोनों सुंदर हो। सामने वाले दोनों ने कहा, दोनों कैसे सुंदर हो गए, एक सुंदर हो गए? बोले देख, लक्ष्मी से कहा जब तुम आती हो ना तो बहुत सुंदर लगती हो, और दरिद्रता से कहा जब तुम जाती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो।
लक्ष्मी से कहा तुम आती हो तो बहुत सुंदर दिखती हो, और दरिद्रता से कहा जब तुम जाती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। सच में आती हुई संपदा सबको अच्छी लगती है, जाती भी अच्छी नहीं लगती, पर जो कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करके जीता है वो जानता है धन पैसा जो कुछ भी है एक संयोग है, और ये सारे संयोग हर जीव के अपने पुण्य पाप के ऊपर टिके हुए हैं। जब तक अनुकूल संयोग होंगे धन पैसा आता रहेगा, संयोग बदलेंगे आया हुआ पैसा हाथ से निकल जाता है, इसका क्या मलाल करना। ये धन जड़ धन है, जीवन धन की पहचान करो। तुम्हारे जीवन में कितनी भी धन की हानि हो अपने मन को उससे प्रभावित मत होने दो। तुम्हें लगता है कि मैं आर्थिक तंगी में जी रहा हूँ, मान लिया आर्थिक तंगी में जी रहे हो, तुम्हारे पास करोड़ों नहीं हैं, लाखों हैं, लाखों नहीं हजारों हैं, हजारों भी नहीं हैं तो कम से कम दो वक्त की रोटी तो है। थोड़ा उन्हें देखो जिनके पास सुबह है तो शाम की व्यवस्था नहीं, शाम है तो सुबह की व्यवस्था नहीं, जब वो जी रहे हैं तो तुम क्यों नहीं जी सकते। अपने अपने नसीब पर भरोसा रख करके चलना चाहिए। धन अगर आ रहा है तो उसका अभिमान मत करो, और धन खोए तो दीनता अपने मन पर हावी मत होने दो। ये समझो ये जड़ धन है, जड़ धन से बड़ा मेरा जीवन धन है, मुझे जीवन धन का सत्कार करना है, अपने जीवन धन को संभालना है और उसी दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। यदि ऐसा हम करेंगे तो हमारा जीवन कभी दुखी नहीं हो सकेगा, और यदि ऐसा हम नहीं करते तो कितने बड़े धन्ना सेठ क्यों ना हो जाएं, हमसे बड़ा दुखी संसार में कोई नहीं है। ध्यान रखना धन से मनुष्य सुखी नहीं होता और निर्धनता से मनुष्य दुखी नहीं होता। वस्तुतः दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। हमारे अंदर की आसक्ति हमें दुखी बनाती है, हमारे भीतर की चाहत हमें दुखी बनाती है, तो अपनी चाहत को हम मंद करने की कोशिश करें, धन पाने का प्रयास करें पर धन में आसक्त न हो, और धन खो जाए तो उससे प्रभावित न हो, जीवन धन को मूल्य देने की कोशिश करें। ये धन भी तभी तक काम में आता है जब तक जीवन है, जीवन हाथ से खो जाए तो धन का कोई उपयोग है क्या? हाथ से खो जाने के बाद धन का कोई उपयोग नहीं, जब तक जीवन है जीवन धन है तब तक धन का उपयोग है। इसलिए तुम अपने धन को देख करके कभी दुखी मत हो। और एक बात बताऊं, जो लोग सोचते हैं धन पाने से सुखी हो जाएंगे, उनसे जाकर के पूछो, उनसे कहो कि जाकर उनको देखो जिनने पर्याप्त धन कमा लिया, क्या वे सुखी हैं? मनुष्य को एक बात लगती है कि धन के अभाव में मैं दुखी हूँ या किसी और चीज के अभाव में मैं दुखी हूँ, तो जिस चीज के अभाव में तुम अपने आप को दुखी महसूस करते हो, एक बार उस व्यक्ति के पास चले जाओ जिसके पास वो है, जिसके अभाव में तुम अपने आप को दुखी महसूस करते हो, क्या वो सुखी है? अगर तुम्हें वो सुखी दिखाई पड़े तो समझ लेना इसके कारण मैं दुखी हूँ, इसके अभाव में दुखी हूँ, मिलेगा तो सुखी हो जाऊंगा। नजदीक जाकर देखोगे तो उसे यही लगेगा कि मैं पाने की चाह में दुखी हूँ, वो पाने के बाद भी दुखी है, कहानी सबकी एक बराबर है, इसमें कौन कितना आगे बढ़ सकता है, कहा नहीं जा सकता। इसलिए जीवन में जब भी धन की कमी हो घबराए नहीं, जीवन धन का मूल्यांकन करना सीखे, धन को छन छई माने और ये देखें मेरे काम चलाने लायक व्यवस्था है या नहीं। धन को सदैव जीवन के निर्वाह का साधन माने, साध्य न माने। हम कितना भी नुकसान उठाएं जीवन को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन जिनके लिए धन ही जीवन का साध्य बन जाता है वो थोड़े से धन के आघात में टूट जाते हैं। कई लोग तो आत्महत्या जैसा क्रूर कृत्य भी कर बैठते हैं, ये जीवन के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, छल है। हमें ऐसे कुकृत्यों से अपने आप को बचाना चाहिए और जीवन की वास्तविकता को समझना चाहिए। धन को साधन मानो, साध्य नहीं, आज है कल रहे न रहे, ऐसी समझ अगर हमारे भीतर विकसित होगी तो विपन्नता की चोट भी हमें विचलित नहीं कर सकेगी। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है
जिन्हें बड़ा भारी नुकसान हुआ। नुकसान तो होता ही है, लेकिन वो व्यक्ति उस घड़ी भी विचलित नहीं हुआ। उसने क्या किया, उसके गांव में 7 मंदिर थे, वो 7 मंदिर का रोज दर्शन करने का नियम ले लिया और हर दिन नए नए मंदिर में, अलग अलग मंदिर में अभिषेक पूजन करता। दिन के 11 बजे वो मुंह में पानी डालता। 47 टेम्परेचर के बाद भी वो कुछ भी खाता पीता नहीं, पैदल सब मंदिरों का दर्शन करता। उससे जब बात हुई, बोले महाराज आप लोगों से ही सीखा है, संयोग है, बनते बदलते रहते हैं, कर्म का उदय है, सब ठीक हो जाएगा, हमने भगवान की शरण स्वीकार ली है, समय चढ़ाता है समय उतारता है, सब ठीक हो जाएगा। और 6 महीने बीते, नासिक में उसकी एक प्रॉपर्टी लिटिगेशन में पड़ी थी और वो बिक गई, उसे मोटी रकम मिल गई। और उसके बाद भोपाल में एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो उसके पिताजी ने कभी खरीदी थी हबीबगंज में, उसका उसको पता भी नहीं था, उसे स्रोतों से मालूम पड़ा, दलालों से मालूम पड़ा, और वो प्रॉपर्टी भी एक मोटी रकम में बिक गई। वो आदमी पहले से ज़्यादा समर्थ हो गया और जीवन स्थिर हो गया। उसने कहा महाराज आप लोगों से हमने यही सीखा है, पैसा आना और जाना दोनों हमारे हाथ में नहीं है, ये समय का चक्र है, आता है और जाता है। इस सच्चाई को हम समझेंगे तो हमारा जीवन संभला रहेगा और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा के रखेंगे। कर्म के सिद्धांत पर भरोसा रखोगे तो कमाने में हर्ष नहीं होगा, गंवाने में दुख नहीं होगा। तो विपन्नता जन दुख भी कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखने के बाद तुम पर हावी नहीं होगा। होगा क्या, होगा नहीं हुआ तो ये 25% भी गोल 100% दुख तुम्हारा सिमट गया और संसार से पार हो गए। तो हम संसार के दुख से मुक्त होना चाहते हैं, इन सूत्रों को आत्मसात करें और अपने जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। समय आप सबका हो गया, बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज मुनि श्री प्रमासागर जी महाराज की जय। जय जय श्रोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी के पावन आशीष एवं उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा परिकल्पना और अनुभव अर्जित ज्ञान से श्री सम्मेद शिखर जी में आधुनिक तकनीक से बनने जा रहा है एक अनोखा और ऐतिहासिक धर्मायतन यानी गुणायतन, अर्थात संरचना, सोच, सत्य, संस्कृति और स्थापत्य का एक ऐसा अलौकिक संगम जो जैन सिद्धांतों को जीवंत रूप में दर्शाएगा। 14 गुण स्थानों के साथ साथ आत्मा से परमात्मा बनने तक की संपूर्ण यात्रा कराने वाले ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान मंदिर गुणायतन के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर इस पुण्य कार्य को गति प्रदान करें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। आप अपनी राशि गुणायतन न्यास के खाते में जमा कर सकते हैं। गुणायतन न्यास बैंक ऑफ इंडिया, पारसनाथ, अकाउंट नंबर 4809201100043, IFSC कोड BKID 000489। गुणायतन गुणात्मक विकास का दिव्य सदन।